दोस्तों, क्या आप एक ऐसी बैंक की तलाश में हैं जो आपको बहुत ही कम ब्याज पर पर्सनल लोन दे सके, साथ ही जहां से कम ब्याज पर पर्सनल लोन मिलना आसान होने के साथ ही साथ बहुत कम दस्तावेजों के साथ आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सके? तो आपकी इस तलाश को पूरा करती है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, आज हम HDFC बैंक के पर्सनल लोन की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम HDFC बैंक के पर्सनल लोन की ना केवल बेसिक जानकारी देंगे, बल्कि इसके पर्सनल लोन की खासियत, ब्याज और चार्जेस के साथ ही साथ लोन प्रोडक्ट और योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की भी बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और यहां से कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में बात होगी कि लोन आवेदन करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज बहुत सी बैंक या फाइनेंस कंपनियां पर्सनल लोन देने का काम कर रही है, लेकिन देश की जानी मानी बैंक HDFC के पर्सनल लोन की बहुत सी खासियत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं HDFC पर्सनल लोन की कुछ खासियतों से। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, HDFC बैंक आपको बहुत ही कम ब्याज पर पर्सनल लोन उपलब्ध कराती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत की बात की जाए तो वो है कम दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक बहुत ही कम दस्तावेजों पे पर्सनल लोन देने का दावा करती है। HDFC बैंक पर्सनल लोन की तीसरी खासियत की बात की जाए तो वो है, यहां से 40 लाख तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। इन खासियतों के साथ ही साथ आपको इसके लोन प्रोडक्ट की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो HDFC बैंक के पर्सनल लोन के बहुत से लोन वेरिएंट यानी प्रोडक्ट है। इनमें से पहला है HDFC गोल्ड एज पर्सनल लोन। इसके अंतर्गत आप 10 लाख से 40 लाख रुपए तक का लोन आपके निजी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। HDFC बैंक के पर्सनल लोन के दूसरे प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो है मैरिज पर्सनल लोन। जी हाँ, शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए आप इस प्रोडक्ट के अंतर्गत 50,000 रुपए से 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। HDFC बैंक के पर्सनल लोन से जुड़ा अगला प्रोडक्ट है ट्रेवल लोन। यदि आप देश में या विदेश में कहीं भी ट्रेवल करने के शौकीन हैं, तो यह प्रोडक्ट आपके लिए है। इसके अंतर्गत आप 40 लाख रुपए तक का लोन आसानी से HDFC बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। होम रिनोवेशन पर्सनल लोन HDFC बैंक का चौथा पर्सनल लोन प्रोडक्ट है और इसे लेकर आप घर के इंटीरियर को चेंज करने या घर की मरम्मत के लिए तत्काल लोन ले सकते हैं। HDFC बैंक का अगला लोन प्रोडक्ट है सैलरीड पर्सनल लोन। जी हाँ, यदि आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में प्राप्त होती है, तो आप यहां से 40 लाख तक का पर्सनल लोन बड़ी ही आसानी से इस प्रोडक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। HDFC का सबसे खास पर्सनल लोन प्रोडक्ट है HDFC बैंक एक्सप्रेस लोन। यह डिजिटल लोन प्रोडक्ट होकर HDFC बैंक के पर्सनल लोन प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट लोन प्रोडक्ट माना जाता है और इसके अंतर्गत आप 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इन सभी लोन प्रोडक्ट के अलावा HDFC बैंक ने महिलाओं के लिए पर्सनल लोन, सरकारी कर्मचारियों के लिए लोन के साथ ही साथ पेंशन लोन को भी अपने पर्सनल लोन प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन इस छोटी सी वीडियो में इन पर भी डिटेल में बात कर पाना मुश्किल है, इसलिए यदि आपको इन लोन प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप HDFC बैंक पर्सनल लोन लिखकर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो HDFC बैंक के पर्सनल लोन प्रोडक्ट की अलग अलग योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन हम आपको बेसिक क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप यहां समझ पाए कि आपको कैसे और किन पैरामीटर के आधार पर लोन मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं HDFC बैंक के पर्सनल लोन से जुड़ी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने की सबसे पहली योग्यता है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो यदि आप जॉब करते हैं और आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हैं, जहां से आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस करते हैं तो भी आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी उम्र कम से कम 21 साल
और अधिकतम आयु 60 वर्ष होना आवश्यक है। एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको यह भी ध्यान में रखना जरूरी होता है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां आपकी स्टेबिलिटी कम से कम 1 साल होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आपको कम से कम 2 साल का कार्य का अनुभव या स्टेबिलिटी होना जरूरी है। इसके अलावा यदि आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और उसमें आपकी सैलरी आती है तो यह न्यूनतम 25,000 होना चाहिए। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट या सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है उनकी मिनिमम 50,000 इनकम होना जरूरी है। इन सभी के अलावा सबसे जरूरी क्राइटेरिया है आपका सिबिल स्कोर और यह कम से कम 750 होना जरूरी है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखें कि आपके पर्सनल लोन आवेदन की स्वीकृति पूरी तरह से बैंक के अधिकारों और आपके क्रेडिट स्कोर पर आधारित होती है। दोस्तों इस क्राइटेरिया के साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए यह भी आपकी प्रोफाइल इनकम और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। तो लोन अमाउंट के संबंध में लोन आवेदन के पूर्व समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन की योग्यता शर्तों के साथ ही साथ आपको अब यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि आप एचडीएफसी बैंक लोन के लिए एलिजिबल है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की जानकारी के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आगे हम एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के ब्याज चार्जेस और आवेदन की प्रक्रिया के साथ ही साथ पर्सनल लोन से जुड़ी सावधानियों पर बात करने वाले हैं। ऐसे में यदि अभी तक की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके 1 लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए और आगे की जानकारी देखने और सुनने से पहले 1 लाइक जरूर करें। तो चलिए एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एचडीएफसी बैंक आपको बहुत ही सामान्य डॉक्यूमेंट के साथ पर्सनल लोन उपलब्ध कराती है। इन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले होते हैं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट और इन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपके पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस यहां से पर्सनल लोन के लिए उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी के साथ पते के प्रमाण के रूप में इन्हीं डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं अथवा बिजली, पानी या टेलीफोन बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल आप यहां दे सकते हैं। एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं इनकम से जुड़े डॉक्यूमेंट और इसके अंतर्गत आप आपकी 3 महीने की पेस्लिप, फॉर्म नंबर 16 और सैलरी से जुड़ा पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट यहां से पर्सनल लोन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके बिजनेस संबंधी लाइसेंस, पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न और पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए देना बेहद जरूरी है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आपको यहां से लोन में लगने वाले ब्याज और चार्जेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के ब्याज के संबंध में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर्सनल लोन पर ब्याज की शुरुआत 10.85% से होती है। हालांकि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल इनकम और क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय होता है। मतलब कि यदि आपकी प्रोफाइल इनकम और क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज का लाभ मिल सकता है, वरना आपको इस ब्याज से ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। ब्याज के साथ ही आपको पर्सनल लोन लेने के लिए कुछ चार्जेस भी देना पड़ते हैं। चलिए उन चार्जेस के बारे में समझते हैं। एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने पर आपको सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस चुकानी होती है और इसकी शुरुआत 6,500 से होती है। इसके अलावा आपको पर्सनल लोन अमाउंट पर स्टाम्प ड्यूटी भी चुकानी होती है जो आपके लोन अमाउंट पर निर्भर करती है। दोस्तों इस प्रोसेसिंग फीस में भी बदलाव होता है और यह भी बैंक के अधिकारों पर निर्भर करता है। तो जब भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें स्वीकृति के समय इस प्रोसेसिंग फीस की जांच कर ले। एक बात और, पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फीस के साथ ही साथ आपको बैंक इंश्योरेंस भी ऑफर करती है जिसकी राशि आपकी इनकम और लोन अमाउंट के आधार पर तय होती है। तो यह बीमा आपको लेना है या नहीं यह भी आपको ही तय करना होता है। इन सभी चार्जेस के अलावा पर्सनल लोन मिलने के बाद कई चार्जेस होते हैं जिसकी जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है, जैसे प्री क्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट चार्जेस और बाउंसिंग चार्जेस आदि। यदि आपको इन चार्जेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन चार्जेस लिखकर कमेंट कर सकते हैं, हम इन चार्जेस की एक लिस्ट आपको उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन से जुड़ी सभी जानकारियां मिलने के बाद वीडियो के आखिरी में बात करते हैं कि आप यहां से कैसे पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना
बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। लेकिन HDFC बैंक पर्सनल लोन के आवेदन की जानकारी के पहले आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि दोस्तों ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से लाते हैं और यह जानकारी लाने में हमको काफी रिसर्च और मेहनत भी करना होती है। ऐसे में हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। चलिए HDFC बैंक पर्सनल लोन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप HDFC बैंक के पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के साथ ही साथ बताए गए डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करा सकते हैं तो आप यहां से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने का तरीका बहुत ही सरल है। आप यहां तीन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इनमें पहला है डायरेक्ट HDFC बैंक की शाखा के माध्यम से। जी हां, आज देश की लगभग हर लोकेशन पर HDFC बैंक की शाखा मौजूद है। आप सीधे इन ब्रांचों में जाकर बताए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का दूसरा तरीका है ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक पूरी तरह से डिजिटल लोन भी उपलब्ध कराती है, तो यदि आप चाहें तो आप यहाँ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक के माध्यम से आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HDFC बैंक के पर्सनल लोन के आवेदन के तीसरे तरीके की बात की जाए तो वो है ग्राहक सेवा नंबर। जी हाँ, आप HDFC बैंक के कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1800 1600 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों लेकिन लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ सावधानियों को समझना भी बेहद जरूरी है, तो चलिए एक एक करके इन सावधानियों पर बात करते हैं। तो दोस्तों HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेते समय सबसे पहली सावधानी है जो ध्यान में रखी जाना जरूरी है, वो है कि हमने इस वीडियो में आपको HDFC बैंक के पर्सनल लोन से जुड़ी योग्यता, ब्याज और चार्जेस के बारे में बताया है। तो ध्यान रखें, लोन की स्वीकृति का निर्णय पूरी तरह से HDFC बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है और यह आपकी प्रोफाइल, इनकम और सिविल स्कोर के आधार पर तय होता है और इन्हीं सब आधारों पर ब्याज और चार्जेस का भी निर्धारण होता है। तो लोन आवेदन के पूर्व ब्याज, चार्जेस और योग्यता के बारे में पहले जानकारी ले लेना आपके लिए जरूरी है। दूसरी जरूरी बात कि इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने विभिन्न सोर्स और HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है और HDFC बैंक इसमें समय समय पर बदलाव भी कर सकती है। इसलिए यदि आप यह जानकारी वीडियो के पब्लिश होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो सभी जानकारियां एक बार फिर से चेक कर ले या इस वीडियो के नीचे HDFC बैंक पर्सनल लोन अपडेट लिखकर कमेंट कर दे ताकि इन जानकारियों में कोई बदलाव हुआ होगा तो इसकी जानकारी हम आपको कमेंट के माध्यम से ही दे पाए। HDFC बैंक पर्सनल लोन से जुड़ी तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी यह है कि दोस्तों ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम आपको आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से लाते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया, ताकि आप आसानी से किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के पर्सनल लोन के विषय में सही निर्णय ले सके। ऐसे में हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लाने का हमारा मकसद जो है वो आपको सही जानकारी देना है, ताकि किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी का प्रचार या प्रसार करना है और ना ही HDFC बैंक ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। तो सभी जानकारियों के आधार पर यदि आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो अपने विवेक से निर्णय लेना आपके लिए ठीक होगा। तो दोस्तों ये थी HDFC बैंक के पर्सनल लोन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो यदि आप भी कम ब्याज पर और बहुत कम दस्तावेजों के साथ पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो HDFC बैंक पर्सनल लोन अच्छा विकल्प हो सकता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।